हे गाइस कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपका कल का डाटा बच चुका है, ठीक है, यानी कि कल का आपका MB बच गया है और उसको आप आज यूज करना चाहते हो, ठीक है, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपके फोन में, मैं आपके फोन में एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ ना कि जिसकी मदद से अगर आप किसी भी दिन का अगर आपका डाटा बचा होगा ना तो उसको आप आज यूज कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं इस सेटिंग के बारे में अच्छे से जानकारी लेना, यानी कि आप जानना चाहते हैं कि कल का डाटा उसको आज कैसे ला सकते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैंने क्या बताया उसको कैसे जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी वीडियो के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप किसी भी सेटिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर आपके पास ओप्पो का मोबाइल है तो आपको जो है यहाँ से एडिशनल सेटिंग में जाना है। और ओप्पो के अलावा अगर आपके पास किसी दूसरे कंपनी की मोबाइल है तो आपको जो है सिस्टम सेटिंग में जाना है, यानी कि आपके यहाँ पर लिखा होगा सिस्टम, सिर्फ सिस्टम लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मेरा ओप्पो का मोबाइल है तो मैं यहाँ से एडिशनल सेटिंग में जाता हूँ। इस तरह से आपको भी जाना है, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आपको करना क्या, यहाँ से एडिशनल सेटिंग में जाना है अगर आपका ओप्पो का मोबाइल है तो उस पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ से बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या, यहाँ पर लिखा है ऊपर जो लिखा है स्टोरेज का ऑप्शन, नीचे लिखा है डेट्स एंड टाइम का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेट्स एंड टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपके सामने जो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली सेट्स टाइम एंड डेट्स एंड टाइम, ये वाला जो है ऑन होगा, ठीक है, इस तरह से ऑन होगा आपके मोबाइल में, इस तरह से ऑन होगा। तो इसको जो है ऑफ़ करना है, ठीक है, इसको जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो ऑफ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्त दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखा है टाइम जोन का ऑप्शन, ठीक है, पहला लिखा है टाइम जोन का ऑप्शन, दूसरा लिखा है सेट टाइम का ऑप्शन। यहाँ से सेट टाइम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, सेट टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है टुडे, यानी कि आज का दिन है, टुडे 3:21 हो रहा है, शाम का पर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऊपर से नीचे दिखाता हूँ आपको, जिससे यहाँ से मैं जैसे ही नीचे करता हूँ तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 394 MB, यानी आज का यूज हुआ है, ठीक है, 394 MB आज का यूज हुआ है। मैं आपको कल का डाटा दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जिस भी दिन का आप डाटा यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि मैं 25 तारीख का डाटा यूज़ करना चाहता हूँ, 25 अक्टूबर का। तो यहाँ से मुझे 25 अक्टूबर सेलेक्ट करना है। 25 अक्टूबर सेलेक्ट करने के बाद आपका जिस दिन का डाटा बचा होगा उसी दिन का आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो टाइम जो है इसको इसी तरह से सेम रहने देना है। उतना रहने देने के बाद मैं फिर से ऊपर से जो है स्क्रॉल करके नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 283 MB, ठीक है। अभी यहाँ पर 93 MB के करीब में था, ऐसे कुछ था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 281 MB, ठीक है। यानी कि आप किसी भी दिन का डाटा सेलेक्ट करेंगे ना तो वो टुडे में ही दिखाएगा, यानी कि आज में ही दिखाएगा। यह नहीं दिखाएगा कि यानी कि मैंने 15 अक्टूबर का सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 15 अक्टूबर दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखाई देगा। आप जिस दिन का डाटा सिलेक्ट करेंगे उसी दिन का डाटा यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि टुडे लिखेगा। अगर आप आज यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कल भी यूज़ करेंगे, तो टुडे ही दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से जो बिचली बटन है इसे आपको जो है कट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको ऊपर से कट नहीं करना है, सीधे आपको बीच में से कट कर देना है। और ना ही यहाँ से आपको इसको ऑन करना है। अगर इसको आप ऑन भी कर दोगे ना, यहाँ वाला ऑप्शन जो दिया है इसको अगर आप ऑन भी कर दोगे तो डाटा नहीं चलेगा। तो यहाँ से आपको जो बिचली बटन कट कर देना है, तो यहाँ से आपको बिजली बटन से कट कर देना है। जैसे कट करेंगे तो आप डाटा जो है आप चलाएंगे तो आपका जो है आसानी से नेट चलेगा। किसी भी दिन का डाटा जो है बचा होगा तो वो आ जाएगा जिस दिन का डाटा सेलेक्ट करेंगे।